कल का व्लॉग आपके लिए फेस रिवील। तो अभी पूरा प्लान हो चुका है हमारा 1K सेलिब्रेशन एंड फेस रिवील का। प्रशांत पूछ रहा था भाई केक वेक का क्या है, सबसे ज्यादा केक कौन खाएगा? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम रोहित कुमार, स्वागत है मेरे नए व्लॉग के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे मेरी तरह। तो अभी हो चुका है भाई 11:03। सो मेरा जो चावल खाने का टाइम है, बाथरूम तो अभी खाली नहीं है, नहाने लग रहे हैं उसमें भाई, तो इस वजह से अभी मैं नहाने नहीं गया। तो सोचा कि चावल को ही फ्री कर लूँ अपने को, क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगा फिर। अभी 11:03 तो अभी हो चुके हैं, बाकी अगर वो निकलेंगे अभी बहुत टाइम है तो और भी ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। तो सोचा भाई कि चावल खा लेता हूँ, उसके बाद तब तक वो निकल आएंगे जब मैं नहा लूँगा, अभी नहीं नहाया हूँ बिल्कुल। और गर्मी गर्मी का तो भाई आप पूछो ही मत, यहाँ इतनी ज़्यादा हो रही है। कूलर भी मैंने बंद कर रखा है, माइक नहीं है ना मेरे पास इस वजह से, तो वो मतलब लेके गए हैं कोई, तो इस वजह से नहीं है अभी मेरे पास, देख पा रहे होंगे। तो भाई कूलर इसलिए बंद करके रखा हुआ है, आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी उसमें, और कूलर बंद करने से गर्मी लग रही है भाई। लेकिन मेरे को ब्लॉग भी तो बनाना है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है यार, हम सह लेंगे, लेकिन थोड़ा सा सह लेंगे, लेकिन ब्लॉग तो ज़रूर बनाना ही बनाना है मेरे को। तो चलो भाई खाना मतलब चावल फ्री कर लेता हूँ अपना, मैं खाने का तो नाम ही नहीं है अभी, देखो। और भाई यहाँ चल रहे हैं मस्त कटिंग वाटरमेलन, थोड़ी सी इंग्लिश में भी बोल लेता हूँ, तो कटिंग तरबूज चल रहा है भाई। हाँ हाँ ठीक ठीक, लेकिन थोड़ी बहुत मैं बोल ही लेता हूँ। तो भाई सबको मत खा जान, ठीक है ना, थोड़ी मैं भी खाऊँगा, नहीं खा सकती इतने, आएगा मजा खेल का। तो ऐसा कर अब खा ले, ऑफर है तेरे लिए। हाँ तो नहीं खा सकती इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं नहीं खा रहा अभी, मैं खाना खाने के बाद ही खा सकता हूँ, वरना नहीं, बिना खाना खाए ना ये थोड़े अच्छे नहीं रहते ना, इस वजह से मैं खाना खाने के बाद ही खा सकता हूँ भाई इसको। अब नहा के तो आ चुका हूँ यार मैं। उल्टी हो रही है तो खा क्यों रही है फिर इसको? नहीं तो अभी अभी क्या था? सो फ्रेंड्स, अभी अभी नहा के फ्री हुआ हूँ, देख पा रहे होंगे अभी तक मैंने बाल भी नहीं काटे यार, बाल काटने का कोई फायदा भी नहीं है, इतने लंबे बाल भी नहीं है मेरे। बात तो सही है। जो मैं इनको काट लूँ भाई, ऐसे जैसे भी रहते हैं ना वैसे ही रहते हैं ये, मैं इनको काटता ही नहीं हूँ यार, क्योंकि इतने बड़े बाल हुए नहीं है अभी, क्या करूँ यार, ज़्यादा छोटे हो गए अबकी बार। अभी 12:15 हो चुकी हैं और खाना भी नहीं खाया यार, कॉल आ गई थी तो इस वजह से थोड़ा कट करना पड़ा। तो शायद बना रही है मम्मी यार, तब खाऊंगा बाद में। और खाना खाने से पहले तो मैं इनको खाता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई नुकसान देता है ये, खाना खाने से पहले जो खाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है ये, मतलब थोड़ा उल्टी टाइप का सा कुछ हो जाता है, इस वजह से मैं नहीं खाता हूँ। उल्टी टाइप 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 थोड़ा सा ऐसा मन करता है उल्टी उल्टी होगा। तो भाई थोड़े से खा पाइए बस, अब मैं इनको रखने जा रहा हूँ अपने लिए, आएगा मजा खेल का। अब मैं पूरे खा जाऊंगा इनको पूरे, तेरे को नहीं बचने वाला एक भी। आज नहीं नहाएगा ये, बारिश में नहाएगा बस, आज भी मौसम ऐसा हो रहा है एकदम मस्त। ऊपर चल रहा हूँ भाई थोड़ा सा, चलो चलो देख पा रहे होंगे है ना, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है मौसम, और ठंडी हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी, देखो, और छाया छाया तो एकदम फुल हो रही है भाई। मींस आज तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कल तो भाई थोड़ी मतलब गर्म हवा चल रही थी, इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा था, आज तो थोड़ी थोड़ी ठंडी है, या फिर अभी मैं नहा के आया ना तो थोड़ी सी ठंडी मेरे को हवा लगेगी भी, तो शायद आज बारिश आ सकती है। कल भी आई थी लेकिन 8 बजे तक आई थी, बस 2 मिनट, 8 बजे आई थी लेकिन 8 मिनट भी नहीं आई थी, वो 1 मिनट में बंद हो गई, क्या करें यार। की सब्जी बनी थी भाई, आज आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने कितनी रोटियां खाई। तो भाई आज ये बनी है आमी की सब्ज़ी, तो इससे भाई तो मैं ज़्यादा ही खाऊंगा, क्योंकि ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है इस वजह से। तो भाई बताता हूँ मैं आपको कितनी रोटियां खाई मैंने आज इससे। सो फाइनली गाइस, बारिश आ चुकी है और अभी थोड़ा स्पीड में नहीं आई हुई, थोड़ी थोड़ी आ रही है बस,
और मैंने भाई आम ही की सब्जी से खाई थी, मींस कैरी की सब्जी से 6 रोटियां खाई आज। और नॉर्मली डेज में मैं बस 2-3 रोटियां खाता हूँ, लास्ट 3, और आज तो भाई 6 रोटियां खा ली एकदम मस्त। आज तो बारिश आने का इंतजार है मुझे, कब आएगी बारिश? बे आ जाएगी यार, मतलब अभी थोड़ा धीरे धीरे आ रही है, आएगी, थोड़ा इंतजार करो यार, थोड़ा फास्ट हो भाई, फास्ट हो जाएगी, फास्ट नहाना भी है मुझे। सो फ्रेंड्स, आज तो मैंने 2x रोटियां खाई आमी की सब्जी से भाई, मस्त मजे आ गए। और अभी थोड़ा धीरे धीरे आ रही है, अरे यार पहले से थोड़ा तेज हो गई है ना, है ना, थोड़ा सा तेज हो गई है अब देखो। और भाई ये मेरा है धनुष बाण। अबे यार पतंग तोड़ के तो इसने धनुष बनाया है, और ये चल तो नहीं रहा है, ये देखो देखो देखो, वो ये वाला धनुष बहुत ऊंचा उड़ेगा है ना, क्योंकि पतंग में से बनाया ना इस वजह से। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो भाई थोड़ी स्पीड तो पकड़ ली है, अब देखते हैं यार आएगी या नहीं आएगी। प्रशांत इंतजार कर रहा है बारिश आने का, इसमें नहाएगा ये। ओहो बहुत तेज तक गई, ऐसा मत मारे दीवार गिर जाएगी वरना। मैं तो नहा लिया हूँ थोड़ी देर पहले ही, लगभग 1 घंटे पहले नहा लिया हूँ, तो इस वजह से भाई मैं तो नहाऊंगा नहीं शायद। अब प्रशांत ही नहाएगा। मेरा धनुष बाण देखो, देखो दिखाओ, अरे दिखाओ, बताओ। ये तो टट्टी है। अरे यार ये तो यहीं गिर गया यार, पोपट धनुष बाण है यार ये, पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है इसको, कहाँ नहीं जाना है, कोई निशाना नहीं है इसका। प्रशांत आएगा बस, मैं यहाँ पर बैठ कर देखता रहूँगा आराम से, मस्त मजे लूँगा बूंदों के थोड़े थोड़े। तो अभी पूरा प्लान हो चुका है हमारा 1K सेलिब्रेशन एंड फेस रिवील का, मैडम का फेस रिवील करना है और 1K सेलिब्रेशन भी करना है। अभी प्रशांत पूछ रहा था कि क्या है भाई केक वेक का क्या है। अब यार ले के आएंगे यार, 1K तो हो जाने दो, आज शायद 1K हो जाएं, उसके बाद हम केक वेक जो भी कुछ है, कल का ब्लॉग आएगा वो केक के साथ ही आना चाहिए। तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, और 1000 तो होने ही वाले हैं, और उससे भी ज़्यादा अधिक सपोर्ट करो मेरे लिए भाई। आज इस ब्लॉग पर इतना सपोर्ट मार दो आप लोग कि कल का ब्लॉग आपके लिए फेस रिवील का लाना ही पड़े मेरे को। और भाई हेलो, सबसे ज़्यादा केक कौन खाएगा? मैं। तू खाएगा? तेरे लिए तो दूंगा ही नहीं मैं, नहीं दूंगा ही नहीं, पता नहीं पड़ेगा कब खा जाऊंगा मैं पूरा। चोर के खाएगा क्या? ओ ऐसा चोरने का मौका ही नहीं दूंगा मैं। सुरंग बनाने की प्लानिंग चल रही है। सुरंग बनाने की प्लानिंग चल रही है केक चुराने के लिए। यार क्या आदमी है ये। तो भाई अभी आपको या तो मैं शाम को मिलूंगा या फिर प्रशांत आएगा ना, तब ब्लॉग बनाऊंगा मस्त। तो आने दो इस बारिश को, आ जाए तो तेज, मिलता हूँ थोड़ी देर में बस, या फिर शाम को। आज भी आंधी काफी तेज है भाई, देख पा रहे होंगे इतनी तेज तेज हवा चल रही है भाई। और देखो इसमें बंदा मजे ले रहा है बॉल के, अभी सिनेमैटिक्स देख लिए होंगे तभी से खेल रहा, लगभग हो गए इसको आधा घंटा हो गया इसको खेलते खेलते। नहाया नहीं तू? तो बारिश तो आई नहीं आज, अब कभी भी इंतजार नहीं करेंगे हम बारिश का, हम खुद ही नहा लिया करेंगे सावर में आंख बंद करके। आजा 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 आजा। आज शाम का मौसम काफ़ी मस्त हो रहा है यार, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई बहुत ही ज़्यादा, और मैं और अपनी मैडम बैठे हुए हैं छत पे। तो भाई प्रशांत मम्मी और मतलब माई तो वो चले गए हैं खेतों में घूमने, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं मस्त हवा का मज़े ले रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, कल शायद फेस रिवील हो जाएगा आपका, गजब बेइज्जती है। पता नहीं बताना कैसा लग रहा है, मतलब फीलिंग्स बता कैसी लग रही है। गर्मी नहीं लग रही बस। कल हो जाएगा शायद, तो कैसा लग रहा है आपको? अब वो उसके बाद बताऊंगी वो कैसी फीलिंग होगी, लेकिन मेरे को ये बता मतलब थोड़ा एक्साइटेड ऐसी फीलिंग्स पूछना चाहता हूँ मैं। तो फिर क्या क्या प्लान बना लिया? तो जिसका फेस रिवील होता है उसका एक्साइटेड तो होना चाहिए। प्लान की पूछ रहे थे।
अच्छा, मैं एक्साइटेड फीलिंग भी पूछ रहा था। बता। क्या बताऊं? ये बता, मतलब कैसी फीलिंग्स आ रही हैं अभी? कल आपका फेस रिवील का ब्लॉग बन जाएगा। उसके बाद बताऊंगी फेस रिवील के बाद। कैसी फीलिंग्स थी? हाँ। क्या हो गया? बस प्लान हो चुके हैं हमारे सब, अभी बस फेस रिवील का ब्लॉग बनना बाकी है यार। ओ भाई, कितना लंबा पंचोरा बांध रखा है इसने, देखो। चीर कह लो आप लोग, पतंग के नीचे जो बंधती है। ओ भाई, ये लो, सांप सा लग रहा पूरा। तो हवा काफ़ी देर से मस्त चल रही है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है भाई, नीला आसमान हो रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं बारिश हो गई है मुझे लगता है, या फिर अभी बिल्कुल बंद है भाई, सूरज बिल्कुल बंद हो चुका है। वह हमारे यहाँ पे आएगी ये पतंग आने वाली है। गई वो पतंग, वो वहाँ गिर गई यार, वो गिर गई पतंग। वो हमारे घर पे आती वैसे है, लेकिन नहीं भाई, बिजली कड़कने का इंतज़ार हो रहा है। अभी अभी दो बार तो कड़की थी यहाँ से, लेकिन मैं अब फ़ोन को एकदम स्टेबल पे रखा हुआ है, अब एकदम शॉर्ट आएगा तो उसको लगाऊंगा। अरे यार, बिजली कड़कना ही बंद हो गई हमारे ब्लॉग बनाने पे। गजब बेइज्जती है। मौसम हो रहा है एकदम खतरनाक भाई, हवा चल रही है बहुत तेज तेज, बारिश भी आ रही है, लाइट भी चली गई, तो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे मौसम बहुत ज़्यादा खराब है भाई। तीनों चारों चीज एक साथ ही आ रही है भाई। अभी बंदे टॉर्च ले लेके डोल रहे हैं भाई, देखो इसने टॉर्च जला रखी है, इसने भी जला रखी है, और इसने भी जला रखी है। बारिश हो रही है, देखो हवा भी चल रही है भाई बहुत तेज। क्यों बनाऊं जब भाई, भाई कितनी तेज कड़क रही है यार, बहुत तेज कड़क रही है बिजली। तो भाई देखो, पूरी छत गीली हो चुकी है। अभी हम आ गए हैं छत पे, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, मस्त मजे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्योंकि बारिश हो चुकी है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और एकदम मस्त मजे आ रहे हैं। सब लोग छत पे ही हैं भाई, देखो पापा, प्रशांत, राहुल, मम्मी। ओहो ओहो, बिजली कड़क रही है। तो भाई ओहो, थंडर शॉट भी ले लेता हूँ मैं कुछ। इधर हो रही है यार बिजली, बस इधर से ही लूंगा। ए नहीं यार, नहीं शॉट नहीं यार, वो नहीं बोला मैंने, थंडर शॉट लेने हैं मुझे। ओहो, फ्लैश लाइट सी जल रही है एकदम बादलों की। तो भाई इस वाली हवा के सामने एसी, कूलर सब कुछ फेल है, एकदम मस्त मजे आ रहे हैं, एकदम बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और एकदम ठंडा हो गया एकदम बॉडी। अभी छोटी छोटी बूंदें पड़ रही, बहुत छोटी छोटी। भाई देखो ये लेजर लाइट, देखो यहाँ तक आ रही है वही। सो फ्रेंड्स, रात के 11 हो चुके हैं, तो करता हूँ अपने ब्लॉग का एंड, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, एंड एंजॉय योर लाइफ विद माय डेली ब्लॉग्स। प्रशांत सो रहा है भाई।